हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज मैं आप लोग के साथ एक और नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ के साथ आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी रील्स वीडियोज़ वहाँ पर ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और रात में जो है ना मैंने बर्तन नहीं धोया। मेरा जो डे वन का जो नवरात्र था, मैंने जो कलश स्थापना की थी, आप लोगों ने अगर मेरा पहला जो है डे वन का नवरात्र ब्लॉग देखा होगा कलश स्थापना वाला, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो है व्रत था। तो डे वन में जो है मेरा व्रत था, तो मुझे जब शाम को मैं पूजा करके उठी ना, तो वैसे ही मुझे पता लगा कि जो मतलब 7 बजे के करीब की टंकी में ना बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई कि मैं खाना पीना बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैंने खाना पीना बना लिया, फिर रात में जो है मैंने बर्तन नहीं धोया। तो मैं सुबह 4:30 बजे से जो है पानी टंकी का मतलब पानी भरने का वेट कर रही थी। पानी जो है आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मीठा पानी आता है, सबमर्सिबल है ही नहीं। तो हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो है सुबह बारी बारी से उठ रहे थे, टंकी चला रहे थे, बट पानी नहीं आ रहा था। तो फिर किसी तरह से देखा कि 6:30 हो गए, तो फिर मैंने फाइनली टंकी चलाया तो पानी आ ही गया था। तो मैं चाय का बर्तन धो रही थी कि चाय बना करके छोड़ देती हूँ, बाकी आंटी आकर के धो देंगी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा व्रत था, निहल के लिए भी खाना बनाना है, फिर मेरे को जो है पति देव के लिए भी लंच बनाना है, तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है मैंने सारे बर्तन निपटाए और फिर मैं जो है ब्रश करने लग गई। तो मुझे याद आया कि जो है नया मतलब नया दिन आ गया है, नवरात्रि का दूसरा दिन आ गया है, फूल है ही नहीं मेरे पास, माला है ही नहीं। तो मैंने जो है सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि आप जाकर के माला लेकर आओ। तब तक जो है 7:15 बज चुके थे, तो फिर मैंने कहा कि पहले खाना पीना बना लेती हूँ कि जल्दी जल्दी खाना पीने से छुट्टी हो जाएगी, बना करके रख देती हूँ, उनका लंच बन जाएगा, तो फिर मैं आराम से नहा धो करके जो है पूजा कर लूँगी। पर उससे पहले जो है मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, झाड़ू और मंदिर वगैरह, मंदिर का एरिया साफ कर दिया था मैंने। इस टाइम तक मैंने हस्बैंड को नहीं उठाया था, तो कोई कोई दिन ना बहुत भारी हो जाता है सच में। मैं ना इसीलिए रात का बर्तन कभी छोड़ के नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगले दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी नहीं होता है टंकी में और फिर मुझे रात के बर्तन छोड़ने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से, नहीं तो मैं रात के बर्तन कभी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे, तब बर्तन छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं बर्तन में अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आज बर्तन छोड़ दिया तो कल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि टंकी में पानी नहीं रहेगा या आंटी नहीं आएंगी, तो फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं छोड़ दिया मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ बर्तन वगैरह रात में। मैं पूरा घर को साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, और नवरात्रि का पहला दिन था तो मैं घर को कैसे इस तरह से झूठा करके छोड़ती, पर मेरी मजबूरी थी तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा जो है झूठा बर्तन, क्योंकि पानी ही नहीं था तो मैं बर्तन कैसे धोती। तो मैंने फटाफट से, जब तक मेरे जो पति देव है वो माला लेकर के आए, तब तक मैंने कहा कि खाना वाना चढ़ा करके लंच वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ही दिया था, मंदिर के पास साफ कर ही दिया था, पूजा कर लेती हूँ, व्रत खोल लेती हूँ और आंटी आएंगी तो फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा, बर्तन वगैरह दोबारा से हो गए थे। तो मैंने जो है ना रात में थोड़े एक्स्ट्रा चावल बना लिए थे, और फिर मैंने ना सुबह उठ करके आलू कटहल की सब्ज़ी और जो है दाल बनाया था, और इसके बाद जो है खाना पीना बना करके मैंने उनके लिए लंच बनाया, रोटी बनाई मैंने, नेहल के लिए भी मैंने रोटियाँ रख दी, क्योंकि वो दूध रोटी वगैरह खाती है, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है। क्योंकि मैं अगर मैं अपने ऊपर बात हो तो मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है कि मैं कभी कभी अपने लिए खाना बनाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरा तो चलता है। तो फिर मैं जो है जब तक मैं खाना लंच वगैरह बनाया, मेरे जब हस्बैंड चले गए तो मैं जो है रसोई वगैरह साफ़ ही कर रही थी, तो तब तक जो है निहल उठ गई, मतलब मुझे 5 मिनट का भी गैप नहीं मिला जब मेरे हस्बैंड गए तो, और फटाफट से जो है निहल उठ गई। फिर मैंने कहा कपड़े वगैरह लगा ही लिए थे खाना बनाने से पहले, जब मैं झाड़ू लगा रही थी और खाना पीना बनाने चढ़ा रखा था मैंने, उसी बीच में मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल जाएंगे। तो घर को मैं
नवरात्रों में झूठा नहीं रखती हूँ और जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा रखती हूँ, घर को साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धो धा करके मैंने सुखा दिए थे, दो चादर वगैरह भी थे, दो साड़ी भी थी जो आपने मेरे अभी रिसेंटली व्लॉग वीडियोस में देखा होगा, वही दो साड़ीज थी तो मैंने धो करके अपनी बालकनी में ही सुखा दिए। अच्छा हाँ, आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, 9 दिन जो है नवरात्रा पूजा होंगे तो मैं 9 दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को एक चैलेंज देने का कि 9 दिन 9 साड़ी अलग अलग साड़ियों में मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। तो इस मतलब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये 9 दिन का चैलेंज और 9 दिन का नवरात्रि पूजा देखने के लिए। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे बताइएगा कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कमेंट करिएगा ज़रूर। और ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों के यहाँ पे नवरात्रि पूजा कैसे मनाई जाती है और आप लोगों में से कितने लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा है या एक पहला और आखिरी का। मैंने पहला और आखिरी ही व्रत रखा है तो मुझे ये पूजा करते करते 11:30 हो गए थे। आप सोचो मैं 6:30 बजे की जगी हूँ और बस मौका ढूँढ रही थी कि नहा धो के मैं पूजा करने बैठ जाऊँ। फिर नेहल भी उठ गई तो मैंने कहा नेहल ना मतलब ऐसा उसके साथ पता नहीं नेहल को क्या हो गया है कि वो जैसे उठती है तो वो पूजा पूजा करने लग जाती है। शाम को ही वो मतलब जैसे वो अपनी नींद दोपहर की नींद लेके मतलब पूरा किया उसने तो दिन में शाम को भी बोल रही पूजा करना है पूजा करना है, तो शाम को भी उसने मेरे साथ पूजा किया। फिर सुबह उठते ही अपने आप ही उस वो मतलब मंदिर के आगे बैठ गई और पूजा करने लग गई, मतलब गाना गाने लग गई भगवान जी का अपने लैंग्वेज में जैसे भी गा रही थी वो, और रात में भी सोनी रही थी, रात में भी बैठ करके वो पूजा ही कर रही थी। अगर आप लोगों ने लाइव वीडियो देखा होगा, अगर मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर तो आपने देखा होगा, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने उसको भी जो है नहला धुला करके और उसको खाना खिला दिया था क्योंकि फिर मैं अगर उसको खाना नहीं खिलाती ना तो वो मुझे बहुत तंग करती पूजा करते वक्त, जैसे उसने कल किया था, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी और वो मतलब फिर मुझे उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो यहाँ पे हम दोनों ने यहाँ पे पहले बाती बनाई मैंने, तो मैंने जैसे जैसे कर रही हूँ पूजा में बाती वगैरह बना रही हूँ वैसे वैसे वो भी बाती बना रही थी। मैंने बाती तोड़ करके जो है दो किए एक बाती में, तो फिर उसने भी ऐसे ही मतलब तोड़ ताड़ करके हाथ पे ऐसे वो फोल्ड कर मतलब मुँह मतलब जैसे बाती बनाते हैं ना वैसे ही वो कर रही थी। तो मतलब मैं ये सोच मतलब छोटे बच्चों के मन में ना कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये क्यों करूँ, मैं मेरे को नहीं करना, मतलब मैं तो इन सब चीज़ों के लिए भी बनी नहीं हूँ, मेरा टाइम आएगा तब करूँगी, नहीं उन लोगों के मन में ईर्ष्या होती नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है अगरबत्ती जलाया और जो है दिया किया, फिर मैंने यहाँ पे दिए और आरती के लिए मैंने यहाँ पे जो है दीप जलाया था। फिर मैंने इसके बाद ना अपनी शादी के बाद जो हम गौरी पूजते हैं, शादी के बाद से हमें गौरी पूजना होता है, पर जो है मैंने वही सबसे पहले पूजा है। फिर इसके बाद मैंने जो है अपनी बाकी की जो है नवरात्रि के लिए पूजा की थी, तो मैंने सबसे पहले अपना गौरी पूजा, इसके बाद उनको जो है अगरबत्ती दिखा करके और प्रसाद चढ़ा करके फिर उनको मैंने बंद करके एक तरफ रख दिया था। और इसके बाद जो है फूल भी, कल तो खुले फूल नहीं थे मेरे पास तो मैंने फिर खुले फूल जो है आज मैंने कहा कि खुले फूल भी लेकर के आना प्लीज़। तो प्रसाद में ना जो है अभी मैं यहाँ पे मिश्री और चीनी ही डाल रही हूँ, मेरे पास जो है सेब वगैरह नहीं थे तो मैं जो है अभी मैं चीनी से ही जो है प्रसाद कर रही हूँ। तभी मैं नेहल के हाथ से जो है फूल तुलसी के हाथों से मैंने फूल चढ़वा करके फिर जो है मैंने आगे पूजा स्टार्ट की और फटाफट से, क्योंकि जो है टाइम ऑलरेडी पूजा का मतलब पूजा करने का मैं बहुत लेट हो गई थी पूजा करने में, तो फिर मैंने फटाफट से सब भगवानों को जो है मैंने अगरबत्ती दिखाई। जितना टाइम लगना चाहिए पूजा में मैं उतना ही टाइम लगाया है मैंने, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो है कल के मुताबिक मेरा आज का जो टाइम है, क्योंकि कल मेरे को कलश स्थापना करनी थी पूरा अच्छे से, मुझे जो है भगवान जी को विराजमान करना था, तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगा, पर आज की जो वीडियो है मतलब आज का जो मैंने पूजा किया है उसमें और कल के पूजा में थोड़ा कम टाइम का फासला था। तो अभी जो है मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी तो नेहल ना बार बार मुझे पता नहीं क्यों चुप चुप कर रही थी, वो आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, बार बार मेरे होठों पे जो है उंगली ला के रख रही थी कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो मेरा ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार क्योंकि वहाँ पर दिया भी जल रहा था, कहीं वो उस पर जो है पका वका ना ले अपना हाथ पैर, तो वो भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट वो बार बार मुझे बोल रही थी चुप हो जाने के लिए।
तो मैंने ना जो है दुर्गा चालीसा जल्दी से ख़त्म किया। फिर जो है वो मुझे बार बार बोल रही थी कि पूजा जो है कर लो, उसको ना एक्चुअली घंटी बजानी थी तो मुझे आरती करने के लिए बोल रही थी। मैंने यहाँ पे फटाफट से आरती की तो फिर वो घंटी वगैरह बजा रही थी। तो जो है निहल को ना ये घंटी, घंटी का मतलब ही पूजा होता है। और हाँ, निहल के लिए ना इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा कि इतना छोटा बच्चा इतना एक्टिव है पूजा के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके उसकी एक्टिविटी के लिए मुझे ज़रूर बताना कि ये एक्टिविटी उसकी अच्छी है या और भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ क्या। और जो है उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे आरती ख़त्म करके मैंने निहल को आरती दी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम किया, जो है दुर्गा महारानी को, अपनी पूजा को समाप्त किया आज के लिए। सुबह का पूजा जो है मेरा समाप्त हो गया, फिर मेरे शाम को फिर पूजा करना है। तो फिर मैंने जो है निहल से भी आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर निहल को पता नहीं था कि आशीर्वाद कैसे देना होता है, तो फिर वो मैंने उसको बताया कि इस तरह से आशीर्वाद दो। तो फिलहाल वो ही हमारे पैर छूती है अपने आप ही, क्योंकि एक बार उसने अपने मामाओं को देख लिया था पैर छूते हुए अपने पापा के, तो फिर उसके बाद से वो उसने वही सीखा। तो इसके बाद जो है मैं रसोई में आ गई खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा पूजा हो चुका था तो मैं व्रत खोल सकती थी आराम से। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए दाल चावल बनाया था, तो वो दाल चावल फिर मैंने जो है अपने लिए निकाला। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोग का आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और मुझे ज़रूर बताना क्या मैं डे नाइन मतलब जो 9 नवरात्रे हैं उसमें जो है 9 दिन मैं साड़ी का व्लॉग करूं, साड़ी चैलेंज लूं क्या 9 दिन के लिए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है लगातार साड़ी पहनने की। पर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।